वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी BSc सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की, यानी कि सॉलिड की। मान लो ये एक क्या है, सॉलिड है, ठोस है। क्या है? सॉलिड है, ठोस है। क्लियर है? अब ठोस जो होते हैं ना, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सॉलिड जो होते हैं ना, वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से, परमाणु से। तो ये सॉलिड जो है ना, वो बहुत से परमाणुओं से क्या है, मिलकर बने हुए हैं। मतलब ये सॉलिड जो है ना, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? क्या समझा रहे हैं? एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, यानी कि ऊर्जा बैंड समझा रहे हैं हम। अब देखो, ये हो गया सॉलिड, और सॉलिड में ये क्या है, अंदर परमाणु है, एटम है। सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? एटम से बना होता है। सबसे पहले हम एक एटम पर विचार करते हैं, एक परमाणु लेते हैं, एक एटम लेते हैं। तो देखो, अगर हम एक एटम की बात करते हैं, तो एक एटम में क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, संरचना की बात करते हैं परमाणु की, तो उसमें परमाणु में, एटम में क्या होता है, एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये मैंने फिक्स नहीं है कि फर्स्ट में दो फिर सेकंड में एक, बड़े समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये क्या है, एक परमाणु का क्या है, स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है ये, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वाली, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, n इज इक्वल टू 1 से। n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ये हमारे पास क्या है, देखो सेकेंड ऑर्बिट है, ये वाली क्या है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम n इज इक्वल टू 2 से। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड कक्षा है हमारे पास इसकी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे n इज इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ ऑर्बिट है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 से। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर होता है, परमाणु की संरचना होती है ये। अब देखो, एटम में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उस पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पर हमारे पास क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, अब देखो, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है कि हमारे पास जो दो चार्ज होते हैं, हमारे पास
उनके बीच में कौन सा नियम लगता है? कुलाम्स लॉ लगता है, कुलाम का नियम लगता है। और वो क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये जो फोर्स होता है ना और ये डिस्टेंस होती है, ये एक दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, यही होती है कुलाम्स लॉ। खूब पढ़ चुके हैं हम कुलाम्स लॉ, है ना, कुलाम का नियम। यदि इन दोनों के बीच में क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और यदि हमारे पास डिस्टेंस कम होगी चार्ज के बीच में, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो देखो, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर होता है। ये जो n इज इक्वल टू वन ऑर्बिट जो होती है, ये जो कक्षा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस, नाभिक के बहुत पास होते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे हम दूसरे, तीसरे और बाहर सबसे लास्ट वाली कक्ष पे गए, हम ऑर्बिट पर गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नाभिक में जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और डिस्टेंस बढ़ गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो दूर वाली कक्षाओं में ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं उन पर, इसके कारण, नाभिक के पॉजिटिव के कारण जो फोर्स लगेगा, दो चार्जों के बीच में क्या लगता है, फोर्स, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसकी जो हमारे पास नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो कैसे होती है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो नाभिक वाला जो पॉजिटिव आवेश होता है, चार्ज जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे कम आकर्षण का बल कहाँ होता है, सबसे कम आकर्षण का बल वहाँ होगा जो सबसे दूर होंगे इलेक्ट्रॉन, और सबसे दूर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सबसे दूर वाली कक्षा, सबसे दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण बल है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षाओं में, न्यूक्लियस की दूर वाली कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जो दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, अगर इस एटम को हम थोड़ा सा क्या दे दें, एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटम में से निकल जाएंगे। किसमें से निकल जाएंगे, एटम में से मुक्त हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, एटम में से निकल जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहा जाता है, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाह्यतम कोश होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन बातों को हम देखो कैसे समझा सकते हैं, देखो कि एटम जो होता है, यानी कि जो परमाणु होता है, ठीक है, में सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, परमाणु में सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल जो है ये है ना, इलेक्ट्रॉन,
जिन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, जिन पर नाभिक यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, कम होता है। ठीक है, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी कि एटम में से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। थोड़ी सी ऊर्जा पाकर क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं? ध्यान रखना, कोई भी एटम हो उसमें आउटर मोस्ट शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो एक एटम है ना, एक परमाणु का एनर्जी लेवल देखते हैं हम, एक परमाणु का क्या ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल देखते हैं। देखो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या कि जैसे ये नाभिक है, ये n बराबर 1 वाली ऑर्बिट है, कक्षा है, ये n बराबर 2 है। जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 वाली कक्षा में रिवॉल्व करते रहते हैं, आपने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, इसकी जो है वो एनर्जी होती है कितनी होती है? आपने पढ़ा था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस फर्स्ट वाले में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं हाइड्रोजन के लिए, उसमें कितनी होती है एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर दूसरे वाले n बराबर 2 में जो रिवॉल्व करता रहता है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसे हर ऊर्जा स्तर की, मतलब हर कक्ष में क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो हम इसके ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, इनको ऊर्जा स्तर में व्यक्त करते हैं। देखो, n इज इक्वल टू 1 से रिप्लेस कर दिया, n इज इक्वल टू 1 मतलब इसको शो कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट को, n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट कक्ष को शो कर रहा है। और उसमें ऊर्जा, जैसे अगर हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी लेवल -13.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर n इज इक्वल टू 2 वाला हम ऐसे बना देते हैं, ये एनर्जी लेवल है, जैसे -13.6 या फिर उससे ज़्यादा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हमने क्या दर्शा दिया? एनर्जी लेवल दर्शा दिया। क्या है ये हमारे पास? एनर्जी लेवल है। और ऐसे देखे तो -13.6, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ऐसे हम निकालते रहते हैं इनकी, है ना। ये तो कितने एटम्स की हो गई? एक एटम्स की हो गई। अब होता क्या है हमारे पास, जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, यदि इन ठोसों में क्या होता है, इन सॉलिड्स में क्या होता है? अब एक ही तो एटम तो होता नहीं है, एक एटम तो होता नहीं है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो देखो, ये एटम्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं सारे के सारे, है या नहीं है? तो अभी एक एटम तो अलग ही है। अब ये देखो, मैं यहां पर ले लेता हूं, एक एटम तो ये रिया, ये न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इसकी क्या हो गई? ये ऑर्बिट्स हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एटम की बात तो हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, इसमें करते रहते हैं, इसमें भी करते रहेंगे, और हर ऑर्बिट की क्या होती है? एनर्जी होती है। इसमें भी ये क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी के पास ये वाला एटम हो गया, इसी के पास ये दूसरा एटम होता है। दो एटम से समझा रहे हैं हम। दूसरा एटम मैंने ये बना दिया पॉजिटिव, और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या फोर्थ, इसमें भी क्या होंगे? एटम तो सेम ही होते हैं ना ठोसों में, 1 2 3 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं हर ऑर्बिट में, हर कक्षाओं में क्या करते रहते हैं?
रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखो होता क्या है, जब ये एटम पास पास होते हैं ना सॉलिड में, बहुत सारे हैं, हम तो दो की बात कर रहे हैं, तो इस पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इन यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो जब ये दो एटम्स पास पास आते हैं परमाणु, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव फोर्स लगने लग जाता है इनके बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में, यानी कि इनके बीच में इंट्रैक्शन होने लग जाता है, अन्योन क्रिया होने लग जाती है, बल लगने लग जाता है, जिनके कारण जो इनके ऊर्जा स्तर है ना, अब देखो इसका ऊर्जा स्तर देखें तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4, इसका ऊर्जा देखें तो 1 2 3 4, ये एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, वो तो सेम ही होते हैं, एन इज इक्वल टू 4, और इसका एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, बनाया या नहीं बना। अब एक तो किसका एनर्जी लेवल है इसका, और एक क्या है एनर्जी लेवल इसका, एनर्जी लेवल है क्या, ऊर्जा ही तो है, ये एनर्जी तो है, जैसे यहाँ -13.6, इसमें भी -13.6, इसमें -3.4, इसमें भी सेकेंड में -3.4, तो सेम परमाणु में तो एटम में तो सेम होती है। अब जैसे ही ये आएंगे ना तो इनमें इंट्रैक्शन हो जाता है, ये एन इज इक्वल टू 1 वाला एन इज इक्वल टू 1 वाले से इंट्रैक्शन करता है, एन इज इक्वल टू 2 वाला एन इज इक्वल टू 2 वाले से, एन इज इक्वल टू 3 वाला एन, तो इनकी जो ऊर्जाएं होती है ना वो क्या हो जाती है, किसी की अधिकतम हो जाती है और किसी की कम हो जाती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा और किसी की थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि यदि यदि ऐसे ठोस पदार्थ, यदि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु बहुत पास पास हो, जिनके परमाणु या एटम बहुत क्या हो, पास पास हो, जिनके एटम बहुत पास पास हो, तो उनके ऊर्जा स्तर भी, तो उनके ऊर्जा स्तर भी, उनके ऊर्जा स्तर भी क्या कर लेते हैं हमारे पास, उनके ऊर्जा स्तर भी पास पास आ जाते हैं, उनके ऊर्जा स्तर भी पास पास होते हैं, उनके ऊर्जा स्तर भी क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ये ऊर्जा स्तर जो है, ये ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर एक समूह सा बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, समूह सा बना लेते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड बोलते हैं या एनर्जी बैंड कहते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, अब ये दो एटम्स हैं, मान लो चार एटम्स है, तो एन इज इक्वल टू 1 एरिया इसकी -13.6, एन इज इक्वल टू 1 एरिया इसकी -13.6। अब होगा क्या कि जब हम एन इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं ना, उनमें इंट्रैक्शन होगा, एन बराबर 2 2 वाले में, एन बराबर 3 3 वाले में, और एन बराबर 4 4 वाले में इंट्रैक्शन होगा। अब जब इनमें इंट्रैक्शन होगा ना, तो ये जब पास पास होंगे ना इनके इलेक्ट्रॉन, तो इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं वो तो एन बराबर 1 में, इनमें इंट्रैक्शन होगा, अन्योन क्रिया होगी, जिसमें से एक की ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, एन इज इक्वल टू यदि 1 की बात कर रहे हैं, तो देखो ये ग्रुप सा बना दिया, एक परमाणु की ऊर्जा स्तर एन इज इक्वल टू 1 में कम हो गया, जैसे ये फर्स्ट परमाणु है इसकी -13.6 थी, ये थोड़ी कम हो गई, ये दूसरा परमाणु है इसकी भी -13.6 थी, पहले वाले परमाणु से क्या हो गई, ऊर्जा ज़्यादा हो गई, तीसरे की और ज़्यादा हो गई, यानी तीनों ने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। एन इज इक्वल टू 2 की बात करें हम, एन इज इक्वल टू 2 में ये देखो -3.4 होती है, इसमें भी -3. अब ये जब पास पास आएंगे ना, तो एक की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक की, ये भी हमारे पास क्या बना लेंगे, ऊर्जा स्तर बना लेंगे।
एन इज इक्वल टू थ्री में भी क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या बना लेते हैं, समूसा बना लेते हैं। इनकी जो ऊर्जाएं होती है ना, n बराबर 3 3, n बराबर 2 2, n बराबर 1 1, जब ये पास पास आते हैं तो इनके एंड में क्या होने लग जाता है, इंट्रैक्शन होने लग जाता है, और 1 1 वाले जुड़ जाएंगे, ये 1 वाला कक्ष वाला और ये 1 वाला कक्ष, ये पास पास इनमें इंट्रैक्शन हुआ और ये जुड़ गए, तो इनकी एनर्जी किसी की इस कक्ष की ज़्यादा या कम हो जाएगी, या इसकी ज़्यादा या कम हो जाती है। ऐसे ही सबकी फर्स्ट फर्स्ट में एक की ज़्यादा हो जाती है, एक की कम, ये समूह से बन जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो समूह से बन रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम ऊर्जा बैंड। ये फर्स्ट कक्ष का, ये सेकेंड का और ये थर्ड का, सारे परमाणु का क्या बन गया, ये ऊर्जा बैंड बन गया। ठीक है, तो ये किस में होता है हमारे पास, ठोसों में होता है ये, जब ये क्या होते हैं, पास पास आते हैं, ऊर्जा बैंड हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें हम तीन परिभाषाएं पढ़ते हैं। यहां पर मान लो एन बराबर थ्री, यानी ये जैसे न्यूक्लियस है, एन इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू और n इज इक्वल टू थ्री। आउटर मोस्ट सेल कितनी है, 3 है, बाह्यतम कोश कितना है, 3 है, और ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले परिभाषा आती है किसकी, संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड की। ये क्या होते हैं हमारे पास, संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में, परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं, ठीक है, जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम संयोजी बैंड कहते हैं। देखो ये जो हमारे पास n इज इक्वल टू वन न्यूक्लियस के पास था, n इज इक्वल टू टू न्यूक्लियस से दूर कक्ष था, n इज इक्वल टू थ्री, सारे n इज इक्वल टू थ्री मिलकर ये ऊर्जा बैंड बना लिया। ठीक है, ये सबसे बाह्यतम कोष मान लो आप, और ये उसमें क्या है, ऊर्जा स्तर है, ये एन इज इक्वल टू थ्री सबसे बाह्यतम कोश है। तो सारे के सारे परमाणुओं के जो बाह्यतम कोश होते हैं ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के, क्या कहलाते हैं वो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। तो ये कौन सा बैंड होता है, ये सबसे बाह्यतम वाला जो बनाते हैं सारे परमाणु के, संयोजी बैंड बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में होने का मतलब क्या है, वो परमाणु में ही है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, चालन बैंड की, यानी कि क्या, कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है हमारे पास, देखो चालन बैंड या कंडक्शन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड के ऊपर वह बैंड जो अनुत्तेजित अवस्था में क्या होता है, रिक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, हम चालन बैंड कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ठोस है और ठोस में ये हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, जब तक हम इसे क्या नहीं देते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बाह्यतम कोश में होंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बाह्यतम कोश में होंगे। संयोजी बैंड के ऊपर वह बैंड जो अनुत्तेजित, अभी चालन बैंड कुछ भी नहीं है। चालन बैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इसको ऊर्जा दी और ऊर्जा देने के बाद इस परमाणु को, एटम को ऊर्जा मिली और ये क्या हो गया, मुक्त हो गया।
ठीक है, ऊर्जा देने पर जो हमारे पास ये जिस बैंड में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ भी रखी है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास है? चालन बैंड तथा संयोजन बैंड के मध्य है, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, कंडक्शन बैंड, बैंड के मध्य है क्या, ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे समझाते हैं, जब तक एटम को एनर्जी नहीं दी है तो वो किस में होते हैं, कौन से बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड, ठीक है। संयोजी बैंड के ऊपर होता है हमारे पास वह बैंड जो रिक्त होता है, ये खाली होता है, इसे बोलते हैं चालन बैंड, या फिर हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड, क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके हो कि कहाँ पर होता है, सबसे पहले बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष का मतलब संयोजी बैंड में होता है, ये जब मिल जाते हैं सारे के सारे संयोजी बैंड में, ठीक है। चालन बैंड ये होता है जो अभी रिक्त है हमारे पास, क्लियर है। चालन बैंड में पहुंच जाने का मतलब होता है मुक्त हो जाना इलेक्ट्रॉन का। इसमें ये जो संयोजी बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, और ये जो चालन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों के बीच में एक ऊर्जा का अंतर होता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में, आपने उसको ऊर्जा दी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो मुक्त हो गया, तो वो किस में चला गया, चालन बैंड में। तो जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है ना, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसे हम डेल्टा ई जी से बोल व्यक्त करते हैं, ये क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है ना, वही क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ लो, जैसे ये एटम है अभी, तो किस में, अगर ये एटम में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बाह्यतम कोष में संयोजी बैंड में, अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो ये क्या कहलाएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और इसे लेकर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, मुक्त हो गया, तो ये किस में चला गया, चालन बैंड, और संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचाने के लिए कितनी ऊर्जा दी हमने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।